बढ़ते आगे कासगंज से बड़ी खबर आ रही। गंगा स्नान के दौरान मामा और भांजा डूब गया है। 72 घंटे के बाद भी पुलिस को अभी तक शव नहीं बरामद हुआ है। रेस्क्यू टीम 3 दिन से लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है और मामा और भांजी की तलाश की जा रही है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। गंगा स्नान करने गए थे मामा और भांजा। सिकंदरपुर वैश्य कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो कासगंज से बड़ी खबर है, गंगा स्नान के दौरान मामा और भांजी के डूबने की खबर है। लगभग 72 घंटे बीत चुके हैं। रेस्क्यू टीम 3 दिनों से दोनों की बॉडी तलाश करने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक मामा और भांजे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। और 3 दिन पहले गंगा स्नान के लिए मामा और भांजे घर से निकले थे। लेकिन मामा और भांजे के डूबने की खबर के बाद लगातार रेस्क्यू टीम उनको खोजने में जुट गई। लगभग 72 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।